मुलायम सिंह यादव एक भारतीय राजनेता है जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में 1 बार रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुधर सिंह और माता का नाम मूर्ति देवी था। मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहनों में 3रे नंबर पर आते हैं। मुलायम सिंह यादव ने आगरा विश्वविद्यालय से एमए और जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से बीटी की डिग्री प्राप्त की है। वहीं राजनीति में आने से पहले इंटर कॉलेज में अध्यापन का भी कार्य किया है, लेकिन राजनीति में आने के बाद मुलायम ने अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के पिता इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव पहलवानी में भी खूब दमखम रखते हैं। चौधरी नथू सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं मुलायम, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अपना पहला चुनाव उसी जसवंत नगर सीट से लड़ा था जिस सीट से नथू सिंह चुनाव लड़ते आ रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनता के बीच उन्हें नेताजी और धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मुलायम सिंह पहली बार विधायक बने, अपना पहला राजनीतिक सफर विधायक के रूप में शुरू किया। इन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव साल 1967 में जसवंत नगर सीट से लड़ा था और जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उनके ऊपर समाजवादी छवि वाले नेता राम सेवक यादव का भी हाथ था। मुलायम सिंह ने यह चुनाव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ा था। सहकारी बैंक के निर्देशक भी रहे मुलायम। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और इटावा के सहकारी बैंक के निर्देशक भी रह चुके हैं। साल 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया था। मुलायम सिंह यादव ने साल 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी आज पूरे देश में जो अपना मुकाम रखती है उसका पूरा श्रेय मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनाव में जीत हासिल की। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल हुई। ये तो सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने, उनका ये कार्यकाल 201 दिन का था। वहीं दूसरी बार साल 1993 में मुख्यमंत्री बने थे, उनका कार्यकाल 1 साल 6 महीने का रहा था। वहीं तीसरी बार साल 2003 में मुख्यमंत्री चुने गए। आपको बता दें कि समय बीतने के साथ मुलायम सिंह यादव की पहचान देश के बड़े नेताओं में की जाने लगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कद भी बढ़ता गया। यही कारण था कि मुलायम सिंह यादव प्रदेश की राजनीति से ऊपर निकले और साल 1986 में केंद्र सरकार में वो रक्षा मंत्री बन गए। लेकिन इसी बीच अब उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण 2 अक्टूबर को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुलायम सिंह यादव अभी मैनपुरी से सांसद हैं। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।